वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत बुधवार को भारत स्काउट और गाइड के हरिओम नगर कार्यालय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संयुक्त शिक्षा निर्देशक योगेंद्र नाथ सिंह सहित अन्य लोगों ने पौधरोपण किया, जिसके संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि वृक्ष हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि ये पर्यावरण में फैली विषैली गैसों को अवशोषित करने के साथ पानी को संरक्षित करते हैं, मिट्टी की शक्ति को बरकरार रखते हैं और कई अन्य तरीकों से पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं। आगे उन्होंने कहा, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है तथा हमें ऑक्सीजन, फल फूल, औषधियां, रबड़ तथा कीमती लकड़ियां भी प्रदान करते हैं, इसलिए वृक्षारोपण अवश्य करें। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, एमपी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जिला स्काउट गाइड कमिश्नर विनीता, जिला सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार, जिला कोषा अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुमार सिंह, जिला प्रशिक्षण आयुक्त अजय कुमार सिंह, जिला संगठन आयुक्त इशरत सिद्दीकी, सत्यानंद शर्मा, दुर्गावती धूसिया, सूरज चंद गौतम, ओम प्रकाश उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नारायण सिंह ने कहा, स्कार्फ पहना करके कार्यक्रम में हम सभी के बीच जिला आदरणीय महेश डाकर स्वागत करें। हम सभी के बीच उपस्थित हैं जिला सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह से जिला संगठन आयुक्त सर आपके द्वारा वृक्षारोपण किया गया क्या करना चाहिए? पर्यावरण पखवाड़ा भारत सरकार द्वारा मनाए जाने का निर्णय लिया गया और उसी के तहत जो है जगह जगह पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में पौधे प्रदेश में भी लगाए गए हैं और ये एक संदेश देना उद्देश्य है और ताकि हम लोग भी वृक्ष लगा करके एक संदेश दें और वृक्ष को पुष्पित पल्लवित करने का अवसर दें तो ज़्यादा हमारे पर्यावरण की रक्षा होगी और हमें जो आज कुछ परेशानियों का सामना पर्यावरण के कारण करना पड़ रहा है उसे निजात मिल सकती है। मेरी अपील यही है कि हर आदमी एक वृक्ष लगाए और जो लगाए ही नहीं बल्कि उसका ठीक से पालन पोषण करे, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी संतान को पालते हैं वृक्ष का भी हमारे जीवन में अपनी संतान से ज़्यादा महत्व है, इसलिए हमें अपनी संतान मान करके उसका पालन पोषण करना चाहिए।